रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो कांकेर से मिल रही है। नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार हुई है। परिवार से मिलने आई महिला नक्सली, 10वीं को दिला बल और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा है और 2007 से नक्सल संगठन में सक्रिय है। 10वीं के स्कूलों एरिया कमेटी की सदस्य है और अब नक्सली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कांकेर जिले के किसकोड़ो एरिया कमेटी का मामला है, जहां पर नक्सली महिला नक्सली पहुंची हुई थी घर में, जो कि बीमार अवस्था में थी। जिसे मुखबिर की सूचना से गश्त टीम को सूचना मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम गांव में पहुंच कर घेराबंदी की, जिसके बाद उस महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गिरफ्तार करने के उपरांत उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला नक्सली से पूछताछ अभी भी जारी है। जी सुशील, अभी पूछताछ की जा रही है, क्या लगता है पूछताछ के बाद कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, पूछताछ के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि यह महिला नक्सली लगभग 2007 से नक्सल संगठन में जुड़ी हुई थी और 5 लाख रुपए का इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। चलिए सुशील, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सांसद ज्योति